नमस्कार किसान भाइयों, यह जो प्रजाति देख रहे हैं या कोशा 13235 से जो कि शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान से रिलीज हुई थी, और इसकी हाइट की बात करूंगा मैं आपसे, या तकरीबन 11 फीट तक का गन्ना हमारा बन चुका है, क्योंकि 6 फीट की हाइट हमारी है और उसके ऊपर पूरे हाथ करने से भी हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। देख रहे होंगे आप जो ऊपर तक पूरा गन्ना बना हो, और मात्र ये किसान भाइयों या फरवरी माह की हमारी बुआई है, देख रहे होंगे कितनी ऊंचाई यह गन्ना लिया हुआ है, और ऐसा पूरा गन्ना ही इस तरह की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी पूरे गन्ने में ही। ये देख रहे होंगे आप अच्छी खासी इस गन्ने की ऊंचाई है, और इसके साथ अगर बात करें किसान भाइयों गन्ने की मोटाई की, तो आप मोटाई भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी मोटाई लिया गन्ना रहता है। ये देख रहे होंगे आप, ये गन्ने की मोटाई है 0238 जितनी मोटाई इस गन्ने में भी आपको देखने को मिलेगी। इस गन्ने में खास बात यह है, इसका जो गन्ना देख रहे होंगे आप पूर्णतः गन्ना या ठोस, ये जो है पूर्णतः ठोस गन्ना आपको अंदर से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 38 में आपको हल्का सा स्पेस देखने को मिलता है, उसी तरीके से आप इसमें देखने को मिलेगा, परंतु ज़्यादा स्पेस आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ये देख रहे होंगे पूर्णतः या गोल गन्ना नहीं होता, हल्का सिलेंड्रिकल शेप में यह गन्ना रहता है, और आँखें तो आप जानते ही हैं काफ़ी उभरी हुई आँखें इसकी देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें इसकी लीफ छिट की, तो अब ये चीज़ देखने को आप जरूर पाएंगे इसमें। ये देख रहे होंगे ये आपको गुलाबी रंग के धब्बे आपको लीव शीट पे नज़र आएंगे, और कहीं भी आपको कांटे इसमें नज़र नहीं आएंगे, यानी आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख रहे होंगे आप किसी प्रकार के कांटे ना तो इसकी लीव शीट पे और ना ही आपको पत्तियों पे नज़र आएंगे, बिल्कुल स्मूथ की पत्तियाँ, हरी भरी पत्तियाँ होती हैं, हरी भरी देख रहे हो आखिरी तक इसकी हरी भरी पत्तियाँ हैं और काफ़ी स्वस्थ पत्तियाँ, इसीलिए इसमें जो फोटोसिंथेसिस किसान भाइयों यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए गन्ना इतना मोटा लंबा हो जाता है और हल्का हल्का सी हरे रंग की इसकी पत्तियाँ होती हैं। यार हरे हरे रंग की पत्तियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और सूखी पत्तियाँ देख रहे होंगे आप बहुत ही जल्दी किसान भाई जैसे 238 में छूटती हैं, उसी तरीके से इसमें भी बहुत सूखी पत्तियां बहुत जल्दी छूटती हैं। और आप देख रहे होंगे सिंगल बर्ड से इतनी टिलरिंग है, तकरीबन 6 कल्ले आपने इसमें प्राप्त किए हुए हैं। देखते होंगे आप खाली सिंगल बर्ड से इतनी टिलरिंग है इसमें, और सभी गन्ने इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ये देख रहे होंगे ये भी सिंगल बर्ड से इतने गन्ने हमारे बने हुए हैं, ऐसे ही आपको ढेर देखने को मिलेगा, जितने गन्ने सब सिंगल बर्ड से इसकी बुआई की थी, और काफ़ी ऊंचाई लिए गन्ना हमारा रहता है, और इसीलिए इसका जो किस्म वेट है ना वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबाई तकरीबन 11-12 फीट तक इसकी लंबाई हो जाती है, और काफ़ी कम है किस्म भाई गन्ना किस्म हो जाती है। जैसे आपका 238 से रहती किस्म रहती थी आपकी कम मेहनत में तैयार होती थी, उसी तरीके की यह किस्म है बिल्कुल वैसे ही यह तैयार हो जाती है काफ़ी कम मेहनत में। सभी प्रकार की मिट्टियों में अगर आपका खेत हल्की ज़मीन है, आपके हल्की बलुई दोमट है या बलुई ज़मीन है, तो उसमें भी यह किस्म काफ़ी अच्छे से होती है। और किसान भाई दो एक बात जरूरी बताऊंगा आपको, इसमें जो लॉजिंग की समस्या है 238 के वाले बहुत कम है, यानी गन्ने की जो जड़ें काफ़ी गहराई तक ज़मीन में जाती हैं, इसीलिए गन्ना हमारा बहुत ही कम आपको गिरा हुआ देखने को मिलेगा, और 238 के मुकाबले बंधाई भी कम मांगता है, और जिस तरह से आपका 238 प्रोडक्शन देता था उसी तरीके से आपको 1335 का ही प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और आँखें आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी उभरी हुई आँखें इसकी बाहर को, ये सबसे विशेष पहचान इसकी होती है, आँखें देख रहे होंगे आप उभरी हुई, और लीप शीत देख रहे होंगे आप हल्का गुलाबी रंग के लाल रंग के धब्बे आपको लीप शीत पर देखने को मिलेंगे, और पत्तियाँ देख रहे होंगे आप काफ़ी हरी भरी इसकी पत्तियाँ, बिल्कुल रोग मुक्त इसकी पत्तियाँ हैं, कहीं आपको कीट पतंगों का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आप किसान भाइयों 238 के विकल्प के तौर पर देख मानी जा रही है, और काफ़ी अच्छा यह प्रोडक्शन देने की क्षमता रखती है, और आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसका प्रोडक्शन आप 600 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब तक निकाल सकते हैं, और बिल्कुल आप
इसमें आपको रेड रॉड या पोका बंग का सामना आपको नहीं करने पड़ेगा, बिल्कुल रोग मुक्त या किसान भाइयों की समय।